जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं श्री राधा कृष्ण और रुक्मणी जी से जुड़ी एक बड़ी ही सुंदर और रोचक घटना। जब श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से विवाह कर लिया, तब राधा जी से मिले, तब राधा जी ने श्री कृष्ण से क्या पूछा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया उन बातों का, तो चलिए आज सुनते हैं इस कहानी को क्या हुआ। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। रुक्मणी जी से विवाह के बाद जब राधा जी को पता चला श्री कृष्ण के बारे में, तो काफ़ी दुखी हुई। मथुरा जाते समय श्री कृष्ण ने राधा जी से वादा किया था कि वो वापस गोकुल आएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए। तो राधा जी को ऐसा लगा कि हो सकता है कि श्री कृष्ण अपने राजकाज में व्यस्त हो गए हों और इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं। जैसे जैसे उन्हें समय मिलेगा वो अवश्य आएंगे, इसीलिए राधा जी उनका इंतज़ार करती रही। दिन बीतते गए पर श्री कृष्ण को नहीं आना था और ना ही वो आए। जब श्री कृष्ण ने युवावस्था में प्रवेश किया तो उनकी वीरता और सुंदरता के चर्चे चारों दिशाओं में फैलने लगे और अधिकांश राजकुमारी श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पाने की कामना करने लगी। उनमें से एक राजकुमारी थी रानी रुक्मणी, विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी, जिन्होंने श्री कृष्ण की वीरता और सुंदरता के बारे में सुनकर उन्हें अपने पति के रूप में पाने की कामना की और उन्हें अपनी आत्मा से अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। रुक्मणी जी को जब इस बात का पता चला कि उनके भाई रुक्मेव उनका विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण को एक पंडित के माध्यम से एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी हैं, इसीलिए श्री कृष्ण उनके पास आएं, क्योंकि वो किसी और से विवाह नहीं कर सकती। अगर श्री कृष्ण नहीं आए तो उन्हें प्राण त्याग देंगी। श्री कृष्ण जानते थे कि रुक्मणी जी देवी लक्ष्मी का अवतार है और उनसे उनका विवाह निश्चित है, तो वो नहीं चाहते थे कि उनके कारण कोई स्त्री अपने प्राण त्यागे। इसीलिए वो विदर्भ गए और उन्होंने देवी रुक्मणी जी का हरण किया और फिर उनको द्वारिका लेके आ गए और उनके साथ पुनः विधिवत विवाह किया। जब राधा जी को ये बातें पता चली तो राधा जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब श्री कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं और उनको शादी का वचन भी दिया था और ये भी वचन दिया था कि वो वापस आएंगे, तो वापस भी नहीं आए और राधा जी को कोई संदेश भी नहीं दिया और किसी अन्य स्त्री से शादी भी कर ली, ये कैसे संभव है। ये सोचकर वो अंदर तक टूट गई। काफ़ी समय तक रोती रहीं और कृष्ण की बातें याद करती रहीं। सबसे मिलना जुलना भी बंद कर दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया, बस यही सोचती रहीं कि कृष्ण का प्यार तो सच्चा था, फिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया। ये सोचकर उन्होंने अपने आप को बरसाना में ही एक कमरे में बंद कर लिया। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा कि एक बार राधा जी से मिलना चाहिए और उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराना चाहिए और उन्हें यह समझाना चाहिए कि क्यों उन्होंने रुक्मणी जी से विवाह किया और राधा जी से नहीं किया। इसके लिए श्री कृष्ण ने एक दासी को राधा जी के पास भेजा और उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने जब संदेश भेजा तब राधा रानी उनसे मिलना नहीं चाहती थी। जब उनकी दासी ने कहा कि श्री कृष्ण आपसे मिलना चाहते हैं, वो उन्होंने एकदम से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि श्री कृष्ण ने उन्हें छला है, उनके प्रेम को धोखा दिया है और वे सोच रही थी कि जब कृष्ण ने धोखा ही दे दिया तो अब उनसे मिलकर क्या करेंगी। लेकिन दासी के बार बार मिन्नते करने पर और विनती करने पर वह श्री कृष्ण के संदेश को ठुकरा नहीं सकी और उन्होंने सोचा कि एक बार श्री कृष्ण से मिलकर पूछना चाहिए कि कृष्ण ने आखिर मुझे धोखा क्यों दिया। फिर श्री राधा और कृष्ण उसी जगह पर मिले जहां वो हमेशा मिला करते थे। एक पेड़ की छांव में राधा उदास मुख से बैठी थी और श्री कृष्ण पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि राधा तुम उदास क्यों हो। तब राधा ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं उदास क्यों हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम उदास क्यों हो, तुम्हारे आँखों से अश्रु
क्यों बह रहे हैं? क्या तुम मुझे नहीं बताओगी? क्या मैं इतना पराया हो गया हूँ कि आज मैं तुम्हारे आंसुओं का कारण भी नहीं जान सकता? तब राधिका जी ने कहा कि मैं पराई नहीं हुई, लेकिन तुमने मुझे पराया कर दिया कृष्ण। उन्हें आश्चर्य से श्री कृष्ण उनको आश्चर्य से देख रहे थे और राधा उन्हें ऐसे देख रही थी कि जैसे वो कोई अपराधी हो। कृष्ण ने एक बार पुनः पूछा कि राधे, बताओगी नहीं कि तुम क्यों इतना दुखी हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम ऐसी बातें कर रही हो? राधा जी ने कहा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने मेरे साथ गलतियाँ की हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है, और अगर मैंने कुछ गलत किया है तो तुम बताओगी कि मैंने क्या गलत किया है? अगर तुम बताओगी नहीं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या गलती की है? राधा जी को आश्चर्य हो रहा था कि श्री कृष्ण ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्यों कह रहे हैं? क्या सच में श्री कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने गलत किया है? श्री कृष्ण ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने गलत किया और मुझसे ऐसे पूछ सकते हैं कि फिर उन्होंने कहा कि मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगी तो तुमको पता चल जाएगा कि तुमने क्या गलत किया है, तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आज तक मैंने तुम्हारे किसी भी प्रश्न के उत्तर देने से मना किया है। राधा, तुम पूछो, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। तब राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा। राधा जी ने कहा कि सबसे पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण, गुस्सा क्या है? तब कृष्ण ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, किसी और की गलती की सजा स्वयं को देना ही गुस्सा है। तुम्हारे गलतियों की सजा आज मैं स्वयं को दे रही हूँ और इसीलिए आज तुम मुझे गुस्से में देख रहे हो, राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा और कहा कि ठीक है, अब ये बताओ कि दोस्ती और प्यार में क्या अंतर है? तब श्री कृष्ण ने बड़ा ही प्यारा सा जवाब दिया कि दोस्ती हीरा है और प्यार सोना। सोना फिर टूटकर बन सकता है, परंतु हीरा नहीं। तब राधा जी ने कहा कि अगर मैं हीरा थी तो तुमने मुझे तोड़ क्यों दिया? राधा जी ने फिर पूछा कि श्री कृष्ण, मैं आपके जीवन में क्या महत्व रखती हूँ? तब श्री कृष्ण ने कहा कि राधे, ये कैसा प्रश्न है? तुम तो मेरा जीवन तुम ही हो, तुम तो मेरी हर सांस में हो, हर धड़कन में हो, मेरे शरीर के रोम रोम में बसती हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, तुम हो तो ही मैं हूँ। राधा जी ने फिर पूछा कि जब मैं हर जगह हूँ और तो तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल क्यों दिया? जब मैं ही तुम हूँ तो तुमने मुझे भुला क्यों दिया? तो श्री कृष्ण जो उनके सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन राधा जी की कटिवाणी सुन मुस्कुरा रहे थे। राधा जी ने फिर पूछा कि प्रेम का असली मतलब क्या है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि जहाँ मतलब होता है वहाँ प्रेम कहाँ? राधे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। राधा की मुस्कुराहट में हंसी कम, गुस्सा अधिक था। राधा जी ने फिर पूछा कि तुमने प्रेम मुझसे किया तो शादी रुक्मणी जी से क्यों की? इस सवाल को सुन कृष्ण थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। श्री कृष्ण जानते थे कि राधा ये सवाल अवश्य पूछेगी। श्री कृष्ण इसी सवाल का इंतजार कर रहे थे। वो राधा को इस सवाल का उत्तर भी देना चाहते थे और उन्होंने उत्तर दिया भी। श्री कृष्ण ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया और उत्तर ये था जो शायद आपको भी बहुत ही सुंदर लगे। श्री कृष्ण ने कहा कि शादी में दो लोग होते हैं, मैं और तुम, राधे, अलग अलग कहाँ? हम तो एक हैं। राधा ने कहा, वो कैसे? फिर श्री कृष्ण ने कहा कि रुको, देखना। और श्री कृष्ण ने अपना रूप दिखाया जिसमें आधा शरीर राधा का तो आधा श्री कृष्ण का। कृष्ण ने कहा, राधे, तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम और मैं एक ही हैं, तुम मुझसे ही निकली हो और जब तुम जाओगी तो फिर मुझ में ही विलीन हो जाओगी। हम दोनों एक हैं, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती है। कोई व्यक्ति स्वयं से विवाह कैसे कर सकता है? राधा जी को अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। अब वो समझ चुके थे कि श्री कृष्ण ने मुझसे शादी नहीं करके रुक्मणी से शादी क्यों की। उसके बाद राधा जी
बरसाना चली गईं और श्री कृष्ण उनको देखते रहे और फिर श्री कृष्ण भी पुनः द्वारिका आ गए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।